आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप क्या करो 7 5 4 पूरा लिख लो और ये जो जीरो ही ले लीजिए, ठीक है। ये दो गिनती आप हटाओगे और यहाँ आप जीरो लगा देंगे। इधर से देखिए दो गिनती है 1 2, इधर से भी 1 और 2, तो ये हो जाएगा 75.4। ये पीछे का जीरो हम इसको छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 84.003 × 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84003 और ये पीछे का जीरो। अब हम फिर इसको देखेंगे तो यहां से कितनी गिनती है 1 2 3 1 2 3, यहाँ बीच में पॉइंट आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 84.03। और ये जो पीछे का जीरो है इसको हम नहीं लिखते, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है 0.032 × 10, हाँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी जैसे लिखा है आप उसको वैसे लिख लीजिए और फिर ये जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 2 3 तीन गिनतियों पर है, 1 2 3, यहाँ 3 के बाद आया डेसिमल, आगे से हम केवल एक जीरो रखते हैं और पीछे हम कोई भी जीरो नहीं रखते। फिर से सुनो, आगे का एक जीरो रखते हैं और पीछे कोई भी जीरो नहीं रखते, तो इसका आंसर होगा 0.32। इस तरीके से हम डेसिमल को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसी में ही 25 और मान लो ये 100 लिखा है, अब हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने पूरी गिनती लिखी और ये दो जीरो लगा, ठीक है। अब आपके पास ये कितनी डेसिमल के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो आपने पीछे से गिना 1 2, तो यहाँ पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद के सारे जीरो कट गए, तो आपका आंसर हो गया 2554। मान लो यही क्वेश्चन है और आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। सबने पूरा क्वेश्चन लिखा और पीछे हमने दो जीरो लगा दिए 100 वाले, है ना। अब यहां पर 1 2 3 तीन के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 यहां पे पॉइंट आ गया, तो मेरा आंसर हो गया 84.003। पीछे वाला जीरो छोड़ देते हैं। अब इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास अब एक दूसरी गिनती है कि हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। मेरे पास गिनती है उसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो हम इसको 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से उसी तरीके से आप पूरी गिनती उतार लीजिए और पीछे आप तीनों जीरो लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर आपकी कितनी गिनती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ गया, पीछे वाले जीरो हम छोड़ देते हैं, यानी 2 5 4.6 ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम ऐसा डेसिमल सिखाएंगे जहां पर 10 100 1000 नहीं होता, दो गिनतियों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो उस तरह का डेसिमल का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब आप इसको समझने के बाद अपनी बुक के क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, आपके बहुत आराम से आंसर आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको मल्टीप्लाई करना है 36.73 × 12, है ना, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपका पॉइंट लगा है लेकिन इसमें आपका पॉइंट नहीं लगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपकी ये वाली जो गिनती है पॉइंट वाली, आप पॉइंट भूल जाइए, आप सिर्फ गिनती लिख लीजिए, ठीक है। बीच में जीरो जीरो हो तो वो भी लिख लीजिए, और ये जो गिनती है 12 यहाँ लिख के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं,
अब टू की टेबल पढ़ो, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व और वन थर्टीन, टू थ्री जा सिक्स और वन सेवन। अब हमने क्रॉस लगाया, वन से मल्टीप्लाई किया तो थ्री सेवन सिक्स और थ्री, इसको आने के बाद हम इसको प्लस करते हैं, थ्री आ गया सिक्स, फोर थ्री सेवन, सेवन थ्री टेन, सेवन और सेवन फोर्टीन, थ्री और वन फोर। अब ये जो आपका आंसर आया वो आपने यहां लिखा, क्लियर। अब आपका वही चीज यहां पर कितने पर डेसिमल है, दो गिनती होगा, तो वन और टू आपने यहां पॉइंट करा दिया और यही आपका आंसर है ना, आसान ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, जीरो पॉइंट जीरो वन फोर सिक्स इंटू सिक्सटी नाइन है ना। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, आगे का जीरो जो गिनती है आप वैसे ही लिख लो, कुछ नहीं करो, तो ये सिक्सटी नाइन को मल्टीप्लाई करो, नाइन सिक्स आ फिफ्टी फोर, फोर फाइव, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, फाइव जोड़ोगे फोर्टी वन, फोर नाइन वन जा नाइन, फोर जोड़ोगी थर्टीन, तो यहाँ पे थ्री कैरी वन। नाइन को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है, बस जो ऊपर कैरी होती है हम उसी को लिख देते हैं और आगे जीरो है तो कोई बात कर दी। अब आपने सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये आपने क्रॉस लगाया, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, थ्री ये सब कैरी था, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, उसमें थ्री जोड़ो ट्वेंटी सेवन, तो सेवन हो गया, टू आ गया, सिक्स वन जा टू जोड़ो एट। अब सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई किया, अब सबको प्लस कर लो, फोर सेवन टेन, एट वन नाइन वन टेन वन जीरो, जीरो वन डबल जीरो सेवन फोर। अब पॉइंट लगाना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, मेरा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन का, बहुत ध्यान से करना, मल्टीप्लाई हम जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, बस पॉइंट लगाना पड़ता है उनको गिन कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है थ्री पॉइंट फोर फाइव इंटू सिक्स पॉइंट थ्री, हमको इसको मल्टीप्लाई करना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों गिनतियों में पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट अभी भूल जाओ, बस मल्टीप्लाई कर, थ्री फोर फाइव और सिक्स और थ्री, तरीका बहुत पसंद आया होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने मल्टीप्लाई करा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री फोर जा ट्वेल्व वन थर्टीन, थ्री थ्री जा नाइन वन टेन, सिक्स फाइव जा थर्टीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन, सिक्स थ्री जा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, प्लस कर दो फाइव थ्री सेवन वन टू, टू वन सेवन थ्री फाइव। अब देखो डेसिमल कैसे लगेगा, यहाँ पर कितने पर डेसिमल है, टू पर, यहाँ पर कितने पर डेसिमल है, वन पर, दोनों को प्लस कर दो, टोटल डेसिमल कितना हो गया, थ्री पर, वन टू थ्री यानी ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन थ्री फाइव। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दिस इज ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल।